रवा में शराब के ठेके के सेल्समैन के पिस्तौल लगाकर लूट की वारदात में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खेतड़ी पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बताया कि परिवादी सुभाष चंद्र पुत्र मान सिंह जाति गुजर निवासी रवा थाना खेतड़ी ने 8 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दी कि शराब की दुकान पर राजेंद्र उर्फ रूपचंद पुत्र रामेश्वर दयाल जाति गुजर निवासी रवा सेल्समैन है। उसके कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर शराब व 10,000 रुपए नकदी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा टीम गठित की। टीम ने जगह जगह दबिश की। इस मामले में सत्यवीर पुत्र शेर सिंह जाट उम्र 41 साल निवासी भालोड थाना पचेरी कला तथा प्रदीप उर्फ कुकू पुत्र सुरेंद्र सिंह जाति अहिर उम्र 31 साल को गिरफ्तार किया है। अनुसंधान में सामने आया कि सेल्समैन की गर्दन पर गन लगाकर ठेका लूटने की वारदात की तथा अन्य व्यक्ति को मारने का प्लान था, लेकिन 15 अगस्त 2021 को खेतड़ी पुलिस ने उनके साथी सुमित को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। सामने आया कि सुमित ने ही चोरी की हुई शराब को हरियाणा में बिकवाई थी। दोनों आरोपियों को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष पेश कर जेल दाखिल करवाया गया है, जबकि फरार आरोपी रविंदर उर्फ फौजी की तलाश में पुलिस जुट रही है। सत्यवीर पुत्र शेर सिंह जाट उम्र 41 साल निवासी भालोड थाना पचेरी कला एक खूंखार आरोपी है। उस पर करीबन 21 मामले चल रहे हैं, कुछ में राजीनामा तो कुछ में वो बरी हो चुका है और कुछ विचाराधीन है, जबकि प्रदीप पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। खाद्य सामग्री में मिलावट रोकथाम को लेकर फूड सेफ्टी टीम ने 4 जगहों पर की कार्रवाई। खाद्य सामग्री में मिलावट रोकथाम के लिए जिले में 16 से 22 अगस्त तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को 4 स्थानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुजर ने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर अभियान के तहत मिलावटी सामग्री की रोकथाम के लिए सैंपलिंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जिला मुख्यालय के गुड्डा रोड स्थित सैनी रेस्टोरेंट से लोटस दूध का, सुनील रेस्टोरेंट से व चौधरी रेस्टोरेंट से रसगुल्ला छीना मिठाई के सैंपल लिए गए हैं। इससे पहले सुबह सुबह मेन रोड उदावास स्थित दूध उत्पादन समिति से गाय का दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 22 तक लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। टीम में FSO जयसिंह, जिला IAC समन्वयक डॉक्टर महेश कड़वाशरा, सहायक कर्मचारी मदन लाल आदि मौजूद रहे। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर, एक होटल में तोड़फोड़ लूटपाट कर संचालक के साथ मारपीट का मामला आया सामने। झुंझुनू जिले के गुड्डा गोडजी से बड़ी खबर निकल रही है, यहां एक होटल पर तोड़फोड़ कर होटल संचालक के साथ लूटपाट की गई है, संचालक के साथ मारपीट भी की है। मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार गुड्डा गोडजी झुंझुनू रोड पर पिटन वार्ड के पास स्थित होटल रिद्धि सिद्धि होटल के संचालक शुभकर्ण मीणा ने मामला दर्ज करवाया है। गुड्डा थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।